खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के रीवा में एक टाइम कीपर जो करोड़न के आसामी निकला है। जब अफसर पहुंचे वो टाइम कीपर के यहाँ छापा मारे तो दुई मंजिला इमारत जो 3600 वर्ग फीट में बनी है उका देख के उनका होश खापड़ हुई है। हालात यह है कि 8 बैंक खाता मिले हैं और 10 लाख के पॉलिसी मिली है और कई अट्ठे ऐसा बेनामी संपत्तियों के खुलासा हो बाकी है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहली बघेली न्यूज चैनल मोहम कनिश तिवारी अपना पंजन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद बड़ी खबर के, जहां प्रवक्ता बताया दी कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा के द्वारा रविवार के सुबह 5 बजे लोक निर्माण विभाग के एक टाइम कीपर के घर में दबिश दिए गए। अभी तक के जांच में करीब 1 करोड़ के संपत्ति के खुलासा भा है। ईओडब्ल्यू सूत्रन के मानी था आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ कार्यालय में एसपी के सामने भ्रष्टाचार से काली कमाई की शिकायत आई रही। आवेदन के सत्यापन करावा गया तो शिकायत सही पाई गई। एक बाद रविवार का सुबेरे करीब 5 बजे ईओडब्ल्यू निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी के नेतृत्व में 40 सदस्यीय टीम के द्वारा छापा मारा गया। गांव में 3600 वर्ग फीट में दुई मंजिला मकान देख के अधिकारियों की आंखें चकराई गई। अपना प्रत्यक्ष बताया दी ईओडब्ल्यू निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी के द्वारा बतावा गया कि पन्नालाल शुक्ला उम्र 61 साल निवासी माढ़ा रघुवर गांव तहसील हनुमना के घर में छापा मार कार्यवाही की जा रही। जांच में पता चला है कि पन्नालाल शुक्ल लोक निर्माण विभाग उप संभाग मऊगंज में टाइम कीपर के पद पर पदस्थ थे। एक छोट से कर्मचारी के करोड़न के दौलत कमावे की शिकायत आई रही। ऐसा मां आय से अधिक संपत्ति का लय के न्यायालय के द्वारा सर्च वारंट लीन कर रहा। परमिशन मिलते है सुबह 40 सदस्यीय टीम के द्वारा सोबत के समय दबिश दिन गए। अपना प्रत्यक्ष बताया दी दावा यह है कि 61 वर्षीय पन्नालाल शुक्ल पीडब्ल्यूडी मां 35 साल से सेवा दे रहे हैं, जहां उनके द्वारा कुल वेतन 40 लाख रुपया मिला है। वर्तमान समय में टाइम कीपर के सैलरी 40,000 रुपया महीना आवत थी। अभी तक के जांच में 1 करोड़ रुपया से ज्यादा चल हुआ चल संपत्ति मिल चुकी है। अभी उनका 1 साल के सेवा बाकी रही। अपना प्रोजेक्ट बताया दी अभी तक कितनी संपत्ति मिली है पूरी जानकारी अपना का बताई लगे। 60x60 के कुल 3600 वर्ग फीट में दुई मंजिला मकान मिला है, जेकर कीमत 50 लाख बताई जा रही। 8 बैंक खाता मिले हैं, 2 पोस्ट ऑफिस में खाता है, 36,000 रुपया कैश मिला है। बैंक और बीमा पॉलिसी में 10 लाख मिले हैं। बुलेरो भी वाहन 1 मिला है, 2 मोटरसाइकिल और कई जमीन के रजिस्ट्री मिली है। तो निश्चित तौर पर ये करोड़न के आसामी टाइम कीपर के अब दिन बुरे आए रहे। काहे कि 61 साल के नौकरी में आखिरकार करोड़न की अकूत संपत्ति कहां से इकट्ठी है। हालांकि शिकायत के बाद जो है ईओडब्ल्यू के द्वारा यह पूरी कार्यवाही जारी है, किंतु प्राथमिक दृष्टिया से समझी कि 40 लाख मतलब अभी तक के नौकरी में केवल 40 लाख कमाई हो कर रही, किंतु करोड़न के घर के साथ साथ इतनी अकूत संपत्ति आखिर आई कहां से। कुल मिलाए के मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के जड़ इतनी गहरी मजबूत हो चुकी है जेका खत्म करब संभव नहीं है। और हालात यह कि लगातार यह में लोकायुक्त के ईओडब्ल्यू के छापा पड़ रहा थे, तब भ्रष्टाचारी के आखिर ही खुले, इनका डर नहीं लागे, खुले आम भ्रष्टाचार की बार लिखत है। अपन ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।